तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज आपके लिए फिर से एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो कि बहुत ही शानदार है। यानी यह है एक पोर्टेबल कूलर। आप इसको मिनी एसी बोल सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा देने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना देर किए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें पीवीसी शीट से काट के कुछ पीस तैयार कर लेना है, जैसा कि मैंने तैयार कर लिया है। इनकी कटिंग की प्रोसेस मैंने वीडियो में शामिल नहीं किया है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। इनके मेजरमेंट आप वीडियो में देख सकते हो और इसके अलावा इनके मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। अब इन सब पीस को हमें इंस्टेंट ग्लू की सहायता से चिपका देना है, यानी हमें एक छोटा बॉक्स तैयार करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो चलो गाइज, इन सब पीस को मैं चिपका लेता हूँ। और गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। और बाकी वीडियो संबंधी अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये इतना तैयार हो चुका है। एक पीस हमने नीचे के लिए भी तैयार किया था, लेकिन उसको हम बाद में लगाने वाले। तो इससे पहले सैंड पेपर से इसके जो एक्स्ट्रा किनारे हैं उनको हमें थोड़ा स्मूथ कर लेना है ताकि चिपकने में आसानी रहे। तो ये पीस है, इसको हम बाद में चिपकाएंगे। तो गाइज, अब हमें चाहिए एक डीसी मोटर। आप कोई सी भी डीसी मोटर यूज़ कर सकते हो जैसी आपके पास अवेलेबल हो। कोई ज़रूरी नहीं कि यही मोटर हो, लेकिन जितनी हाई स्पीड और अच्छे टॉर्क वाली मोटर होगी उतनी ज़्यादा ये अच्छी हवा देगा। तो गाइज, अब हमें तैयार करना है इसके लिए प्रोपेलर। तो मैंने एक टॉय कार का टायर लिया है। ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं रहे और ये मोटर के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिक्स हो रहा है। अगर हम पीवीसी पीस का कट करेंगे तो वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट करेगा। तो गाइज, अब हमें इसके लिए पंखुड़ियाँ तैयार करनी है। तो मैंने अप्रोक्स 1 इंच का एक पीवीसी पाइप ले लिया है और इसका मैं मार्किंग करके एक छोटा सा पीस कट कर लेता हूँ। पंखुड़ियाँ आप पीवीसी शीट से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको मेजरमेंट और कटिंग में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और इतनी परफेक्ट पंखुड़ियाँ भी नहीं बन पाएगी। तो गाइज, इस तरह के मैंने 2 पीस तैयार किए थे क्योंकि एक पीस से हमें लगभग 4 प्रोपेलर ही मिलते हैं। तो लेकिन हमें लगभग 8 प्रोपेलर चाहिए, तो इसलिए मैंने इनके 2 पीस कट किए थे और फिर इनकी मार्किंग करके कटिंग कर लिए। तो आप देख सकते हो मेरे पास लगभग 8 प्रोपेलर है। इनको हम बराबर दूरी के हिसाब से इस पर चिपका देंगे। प्रोपेलर के बीच की दूरी का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप पूरी तरह से मेजरमेंट करके इनको चिपकाएं, नहीं तो ये मोटर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी और ना ही आपको प्रॉपर हवा दे पाएगी। तो फाइनली गाइज, हमारा प्रोपेलर बनके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो कितना परफेक्ट लग रहा है। और इनके जो प्रोपेलर है इनको मैंने इंस्टेंट ग्लू के अलावा एरोडाइट से भी चिपकाया है, क्योंकि इंस्टेंट ग्लू से ये जल्दी निकल सकते हैं, यानी निकल ही जाएंगे। अगर हवा का प्रेशर रहेगा तो ये जल्दी निकल जाएगा। अब गाइज, हमने जो बॉक्स तैयार किया था उनमें एक पीस छोड़ दिया था बिना चिपकाए, तो उस पर मैंने एक गोल सर्कल कट कर लिया है। ये इसलिए कट किया क्योंकि इसी होल से हमारा कूलर हवा खींचेगा। तो गाइज, अब मैंने ले लिया एक पीवीसी का पाइप जो कि लगभग 75 mm का है, और इसको मैं कुछ लंबाई में इसको कट कर लेता हूँ। आप इसकी लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं इसको तिरछा कट कर रहा हूँ, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसका आपको अभी पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये कट हो गया है, और अब मैं सैंड पेपर से इसको थोड़ा स्मूथ कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज, जो हमने पीवीसी के पीस पे जो सर्कल कट किया था उस पीस को हमें कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर लगाना है। लेकिन गाइज, ये नीचे की साइड से अभी खुला है, तो इसको बंद करने के लिए मैं एक पीवीसी का पीस कट करके इस पर लगा देता हूँ। तो गाइज, मैंने ये सर्कल कट कर लिया है, और इस सर्कल को हमें इस पाइप के नीचे की साइड कुछ इस प्रकार से लगा देना है, और फिर इंस्टेंट ग्लू की मदद से मजबूती के साथ चिपका देना है। वैसे हमें इंस्टेंट ग्लू के अलावा भी यहाँ पे एरोडाइट का यूज़ करना है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी मतलब पूरा वाटर प्रूफ करना है। यहाँ पर बिल्कुल भी पानी लीक नहीं होना चाहिए, तो मैं इंस्टेंट ग्लू के अलावा इस पर थोड़ा एरोडाइट भी लगा देता हूँ। अब गाइज, जितने पीस मैंने तैयार किए उन सबको मैं कलर करके सुखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये पूरी तरह सूख चुके हैं और इनकी बहुत अच्छी शाइनिंग भी आ रही है। तो अब जो बॉक्स तैयार किया था उसके ऊपर की साइड हमें इस मोटर को लगाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा होल कर लिया है, और इसमें हम इस मोटर को कुछ इस प्रकार फिक्स कर देंगे। और यहाँ एक स्क्रू लगाने के लिए भी मैंने एक छोटा होल कर लिया है, तो मैं स्क्रू की सहायता से मोटर को टिका देता हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ा इंस्टेंट ग्लू से भी इसको चिपका देंगे, जिससे कि ये एकदम मजबूती के साथ चिपक जाए। और आपको यहाँ पे मोटर की शाफ्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि उसके अंदर अगर इंस्टेंट ग्लू चला गया तो ये जाम हो जाएगी। अब गाइस, जो नीचे का ये जार तैयार किया था ये सूख के पूरी तरह तैयार हो चुका है, और अब मैं इसमें पानी डाल के ये चेक कर लेता हूँ कि ये कहीं से लीक तो नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें काफ़ी पानी भर दिया है।
तो गाइज इसमें पानी की एक बूंद भी लीक नहीं हो रही है और इसको आप देख सकते हो। मैं आपको इसके नीचे कागज़ लगा के भी दिखा देता हूँ। अब गाइज आप देख सकते हो मैं इसके फ्रंट साइड में कुछ मार्किंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें एक बड़ा सा कट करना है, यानी दो कट करने हैं। तो आप एक विंडो की शेप में यहाँ पे दो बड़े बड़े कट कर सकते हो। बड़े कट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आराम से बाहर की हवा को खींच सके। और गाइज आपको पता है इस टाइप की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट डेली बनाना तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि आपको जल्दी से जल्दी इस टाइप के प्रोजेक्ट मिलते रहे। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइज यहाँ स्विच लगाने के लिए मैंने एक कट कर लिया है जिसमें ये स्विच लगा देते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा अच्छा स्विच यूज़ करें, क्योंकि अगर आप 12 वोल्ट सप्लाई यूज़ करते हैं तो अगर लो एम्पेयर स्विच होगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब गाइज इसको पावर देने के लिए हमें यहाँ पे कनेक्टर लगाना है, तो मैं यहाँ पे एक होल कर लिया हूँ जिसमें एक कनेक्टर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिक्स हो रहा है। और ये जो मोटर मैंने यूज़ की है ये 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, 12 वोल्ट पे ये थोड़ा अच्छा काम करती है। तो गाइज कनेक्टर तो लग गया है, अब मैं मोटर के साथ दो वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ और इस वायर को हम स्विच और कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, इसकी सारी डिटेल मैं आपको कनेक्शन के बाद दे दूँगा। अब गाइज जो ये मोटर का वायर है उसको भी हमें इंस्टेंट ग्लू से यहाँ पर चिपका देना है, नहीं तो ये मोटर के प्रोपेलर के साथ टच हो सकता है। गाइज मोटर से जो पॉजिटिव वायर है उसको मैंने स्विच के एक बाहर की साइड पॉइंट पर जोड़ दिया है और एक वायर का टुकड़ा लेके जो मिड पॉइंट है उसे मैंने कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है, यानी पॉजिटिव हमारा स्विच के द्वारा मोटर को मिलेगा। तो फाइनली गाइज हमारे कनेक्शन तो कंप्लीट हो गए और अब हमें प्रोपेलर को मोटर के साथ लगा देना है। प्रोपेलर थोड़ा लूज था तो इसलिए मैंने इंस्टेंट ग्लू का यूज़ किया है और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लग गया है। और इसको यहाँ पर आपको पूरी तरह चेक कर लेना है कि ये कहीं पर बॉडी के साथ टच तो नहीं हो रहा है, और फिर इसके जो ऊपर का कवर है उसको हमें कुछ इस प्रकार से लगा देना है। तो मैं इसको इंस्टेंट ग्लू की सहायता से यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो गाइज हमारे कूलर का एक पार्ट ये बनके तैयार हो चुका है पूरी तरह से, तो चलो अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी मोटर परफेक्ट वर्क कर रही है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है और इसकी हवा का प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइज हमने नीचे के पैनल पे जो दो बड़े बड़े कट किए थे वहाँ पे लगाने के लिए मैंने एक मेटल की जाली तैयार की है। आप इसको कवर कर भी सकते हो, अगर नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसको लगा दिया है ताकि ये यहाँ से प्रोटेक्ट रहे। और अब हमें फैन वाले पार्ट को कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर लगा देना है और इसको मैं इंस्टेंट ग्लू से यहाँ पर चिपका देता हूँ। और गाइज अब मैं सामने की तरफ भी एक छोटी जाली लगा देता हूँ जिससे कि हमारा फैन भी प्रोटेक्ट रहे। तो आप देख सकते हो इसके लिए भी मैंने जाली तैयार कर दी है जो कि इसमें फिक्स लग रही है। तो फाइनली गाइज हमारा कूलर तो पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने इसमें कूलिंग सिस्टम के लिए कुछ नहीं किया है, तो चलो उसका भी जुगाड़ करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बर्फ़ लिया है, काफ़ी बर्फ़ के टुकड़े हैं, तो जो हमारा नीचे का बॉक्स है उसकी एक जाली हटा के मैं इसके अंदर पूरी तरह से बर्फ़ से भर देता हूँ। आपको ऊपर तक भर देना है क्योंकि नीचे का जो बॉक्स है उसमें पानी, अगर बर्फ़ पिघलेगा तो पानी उसमें चला जाएगा, बाहर नहीं आएगा। अब पंखा इस जाली से जो हवा खींचेगा तो वो बर्फ़ से टकरा के आएगी जिससे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो गाइज मैंने इसे पूरी तरह बर्फ़ से भर दिया है और अब इसे 12 वोल्ट से कनेक्ट करके चलाते हैं। तो गाइज इसने तो चालू करते ही कमाल कर दिया, इसने हवा के साथ साथ बर्फ़ को भी बाहर फेंकना शुरू कर दिया। गाइज इसमें बर्फ़ थोड़ा सा ज़्यादा भर गया तो शायद बर्फ़ के साथ इसका प्रोपेलर टच हो गया जिससे कि ये बाहर आ गया, इसलिए बर्फ़ को थोड़ा सा प्रोपेलर से नीचे रखे, नहीं तो इसका प्रोपेलर भी टूट सकता है। तो गाइज आप देख सकते हो इसकी हवा का प्रेशर भी बहुत अच्छा है। गाइज आप यकीन करना ये बहुत अच्छी और ठंडी हवा दे रहा है। फिलहाल मेरे पास टेम्परेचर सेंसर नहीं है, नहीं तो आपको मैं इसका टेम्परेचर भी दिखा देता, लेकिन कूलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, और आपके दिमाग में कोई नया आइडिया हो तो वो भी बता देना, अगर पॉसिबल होगा तो उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।